पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव कुछ देर में नामांकन करने वाली हैं। नामांकन से पहले डिंपल यादव ने मुलायम की समाधि स्थल पर जाकर माथा टेका है। नामांकन के दौरान अखिलेश यादव भी साथ में मौजूद रहेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डिंपल यादव का आज नामांकन होना है। नामांकन भरने से पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डिंपल यादव ने मुलायम की समाधि स्थल पर पहुंचकर माथा टेका है, पुष्प अर्पित किए हैं, आशीर्वाद उनका लिया है, जीत की कामना उनसे की है। और परिवार के मुखिया रहे समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव, आज जब नामांकन भरने के लिए डिंपल यादव निकली तो सबसे पहले वो पहुंची हैं मुलायम सिंह की समाधि स्थल पर। वहां जाकर उन्होंने माथा टेका है, आशीर्वाद जीत का लिया है उनसे। और बताया जा रहा है कि इस दौरान अखिलेश यादव भी उनके साथ थे। जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें अखिलेश भी डिंपल के साथ दिखाई दे रहे हैं और कुछ देर में डिंपल का नामांकन होना है। और डिंपल के सामने बीजेपी के कद्दावर नेता खड़े हैं, इसलिए इस बार चुनौती डिंपल के लिए ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि मुलायम सिंह का गढ़ मैनपुरी माना जाता है, समाजवादी पार्टी का गढ़ मैनपुरी माना जाता है। ऐसे में डिंपल यादव यही कह रही हैं कि जीत उनकी होगी, लेकिन इस बार की फाइट तगड़ी दिखाई दे रही है। मुलायम सिंह की समाधि पर डिंपल यादव। सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को आज दुर्गा अष्टमी है उसकी बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि माँ का आशीर्वाद तो है ही और साथ में क्षेत्र के सभी लोगों का आशीर्वाद और साथ मुझे मिलेगा। धन्यवाद। सर, नामांकन है, क्या कहेंगे? इस क्षेत्र ने 3 लाख के लगभग वोटों से और ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव में जिताया था। ये चुनाव ऐतिहासिक वोटों से फिर जीतने जा रहे हैं, इसी में मैनपुरी का मान सम्मान बढ़ेगा। नेताजी का क्षेत्र रहा और यहाँ की जनता हमेशा समाजवादियों के प्रति लगाव रखती है। जो कुछ विकास आज भी दिखाई दे रहा है वो सब समाजवादियों का है। बीजेपी के पास अपने बताने को कुछ नहीं है, और अगर बताने को होता तो होर्डिंग लग गए होते, उनके विकास के होर्डिंग कहाँ हैं। और अब तो सुनने में आ रहा है जो सांसद प्रत्याशी हैं उनके होर्डिंग से चेहरे गायब हैं, और अगर अभी से सांसद प्रत्याशियों के चेहरे गायब हैं तो आने वाले समय में और चेहरा जो दिखाई दे रहा है वो भी गायब होगा। सर, मोहन यादव को उतारा गया, उसको कैसे देखते हैं आप? वो मोहन यादव जी यहाँ का विकास देखने आए थे और यहाँ के विकास से प्रेरणा लेकर के वो अपने मध्य प्रदेश में काम करेंगे और समय समय पर हमसे राय लेंगे विकास के लिए, तो जरूर उनको राय देंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी को कैसे देखते हैं सर? वो आए थे कल खाली जी सीट सारी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने अचानक से अपना प्रत्याशी बदल दिया। देखिए, प्रत्याशी बदल दिया है तो अच्छी बात है। उन्हें लगता होगा कि पहला प्रत्याशी अच्छा नहीं था, नया प्रत्याशी अच्छा है, कहीं ऐसा तो नहीं समाजवादियों ने एडजस्ट कर दिया हो अपना प्रत्याशी। शुक्रिया। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डिंपल यादव मैनपुरी सीट से एसपी की प्रत्याशी हैं और बीजेपी प्रत्याशी। कल उन्होंने अपना नामांकन किया था, आज डिंपल यादव अपना नामांकन कर रही है। फाइट इस बार तगड़ी है जयवीर सिंह और डिंपल यादव के बीच में। कल एक का नामांकन यानी कि बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन कर लिया है जयवीर सिंह ने, और आज डिंपल की बारी है। नामांकन करने पहुंचेंगी कुछ देर में डिंपल, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखाएं, जहां पर मुलायम सिंह की समाधि पर पहुंची डिंपल यादव और उन्होंने आशीर्वाद दिया मुलायम सिंह यादव का।